मायदीन इस मसले में कि खबरों को पुख्ता मजबूत बनाने में पुख्ता और मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हजरात का कहना है कि जब पुख्ता और मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर आधार पर क्यों गुंबद बनाई गई है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता, क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अंजाम रखा जाता, अगर कोई हीला बयान किया जाए तो बुरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं, और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे और ये सातवीं सदी हिजरी और छठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई और फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद-ए-खज़रा कहा जाता है, तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है, और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रोका गया है, रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि खबरों के ऊपर पुख्ता इमारतें इस तरह की तामीर करना यह हराम है। तो छठी सदी हिजरी के अंदर मंसूर इब्ने कलाउन जो मसर का